अध्याय 18 उत्पत्ति अध्याय 18 इब्राहिम ममरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि तीन पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के तले विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उसमें से आप अपने अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा ही कर। सो इब्राहिम ने तंबू में सारा के पास फुर्ती से जाकर कहा, तीन सदा मैदा फुर्ती से गूंध और फुलके बना। फिर इब्राहिम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने फुर्ती से उसको पकाया। तब उसने मक्खन और दूध और वह बछड़ा जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का स्त्रीधर्म बंद हो गया था। सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी? क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हूं सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। फिर वे पुरुष वहां से चलकर सदोम की ओर ताकने लगे और इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग संग चला। तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं वो क्या इब्राहिम से छिपा रखूं? इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थ्य जाति उपजेंगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतरकर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और न किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। सो वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नाश करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि तू दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले
तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर इब्राहिम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए तो क्या तू 5 के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश कर डालेगा? उसने कहा, यदि मुझे उनमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूं, कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश न करूंगा। जब यहोवा इब्राहिम से बातें कर चुका तब चला गया और इब्राहिम अपने घर को लौट गया।